वेलकम स्टूडेंट्स, सब तो पहला आप सब नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जो सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.5 जो कि बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के उपर, उसके क्वेश्चन नू करांगे सोल्व। पर इन्हां नू सोल्व करन तो पहला जेकर तुसी चैनल नू अजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो इसनों हुणे सबसक्राइब कर लो, सो दैट साडियां सारियां लेटैसट वीडियोज़ नोटिफिकेशनज तुहानू जल्द तो जल्द मिल सकन। आने फर्स्ट क्वेश्चन पर। यूनिवर्सल सैट गिवन है, सैट ए, सैट बी, सैट सी गिवन ने, तो आप जो कॉम्प्लीमेंट्स ने यह फाइंड आउट करने ने। फस्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सैट यू दे विच्चों ए दे जिहड़े एलीमेंट्स है उन्होंने छड के जो मिलेगा दैट वुड बी ए कॉम्प्लीमेंट। सो मैं वह आंसर इतने लिख लैन्ना, हाँ जी हाँ जी, एक दो तीन चार जेकर इन्हों ये छड़ दिए तो 5 to 9 ए बन जाएगा इसका आंसर, 5, 6, 7, 8 and 9। दैन वी हैव बी डैश, सो इतने कढ़ते हैं आप बी डैश, हाँ जी बी दे एलीमेंट्स 2, 4, 6, 8 इन्हों ये छड़ांगे तो आपां नूं मिलेगा 1, 3, 5, 7 ते 9, ए आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। उस तो बाद है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, सो उसके लिए पहला ए ते सी दी जड़ी यूनियन है उन्हों कट लांगे, ए यूनियन सी, हाँ जी ए यूनियन सी अपने को आएगा 1, 2, 3, 4 ए आ गए, 3, 4 रिपीट हो रहे उन्हों रिपीट नहीं करांगे, 5, 6, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हुण ए यूनियन सी दा कॉम्प्लीमेंट जड़ा होएगा यू दे विच्चों यूनिवर्सल सेट दे विच्चों आ जिहड़े 1 to 6 ने इन्हां नूं छड्ड दांगे, 7, 8, 9 आ जाएगा इसका आंसर। ओके दैन वी हैव ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सो इहदे लई पहलां ए यूनियन बी कढ लैंदे आ, हाँ जी 1, 2, 3, 4 2 ते 4 पहले ही हो गए 6, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8, हाँ जी हुण इहदा कॉम्प्लीमेंट है जिहड़ा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू दे विच्चों इन्हां नूं छड्ड के, सो पहले 4 छड्डांगे, दैन वी हैव 5, 6 छड्ड के, 7, 8 छड्ड के, 9, सो 5, 7, 9 आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। दैन वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट द कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आपां पहले ही कढ चुके हाँ, सो उहनूं दुबारा लिख लैंदे हां, ए कॉम्प्लीमेंट अपने कोल आ गया सी 5, 6, 7, 8 and 9। उसका कॉम्प्लीमेंट जिहड़ा होएगा ओह इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा फिर, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 छड़ देंगे, 5, 6, 7, 8, 9 छड़ के 1, 2, 3, 4 आ जाएगा अपने को, 1, 2, 3, 4। तो जदों आपां कॉम्प्लीमेंट बारे स्टडी किया सी तां उदों ये डिस्कस किया सी कि किसी सैट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उही सैट दुबारा हुंदा है, सो इत्थों आपां नूं ए सैट दुबारा मिल गया। हाँ जी अगे आने आपां 6th पार्ट ते, 6th पार्ट दे विच है अपने कोल बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आपां फाइंड आउट करना है, सो पहला बी माइनस सी फाइंड आउट करते हैं, सो बी माइनस सी अपने कोल की आ जाएगा, बी दे विच्चों जिहड़े सी दे नाल कॉमन ने वो छड़ दांगे, हाँ जी बी दे विच जिहड़े सी दे नाल कॉमन ने वो आपां देख सकते हैं 4 है ते 6 है, इन्हां नूं छड़ के बाकी जो आएगा 2 and 8 दैट वुड बी बी माइनस सी। हुण बी माइनस सी का जिहड़ा कॉम्प्लीमेंट होएगा वह यूनिवर्सल सैट के 2 ते 8 नूं छड्डना आपां, बाकी सारे एलीमेंट 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, सो ए आ जाणगे अपने कोल सारे, ए बन जाएगा अपने कोल बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, सो ये नाल फस्ट क्वेश्चन हुंदा है अपना कंप्लीट। हाँ जी अगे भी अपने कोल सैकेंड क्वेश्चन दे विच भी आपां कॉम्प्लीमेंट्स ही फाइंड आउट करने ने, ए दिता है, बी दिता, सी दिता, डी दिता, नाल यूनिवर्सल सैट दिता हुआ है, सो इन्हां दे कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने ने। आप फस्ट ए कॉम्प्लीमेंट कढ़दे हां, आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सैट दे विच्चों ए बी सी नूं छड़ दांगे, सो अपने कोल आ जाएगा डी ई एफ जी एंड एच। दैन वी हैव सैकेंड दे विच बी कॉम्प्लीमेंट, डी ई एफ जी छड़ांगे, डी ई एफ जी, सो अपने कोल ए बी सी ते एच, ए बी सी एच, तो यह आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। फिर सी कॉम्प्लीमेंट की वारी ए सी ई जी नूं छड़ देंगे, ए सी ई ते जी नूं छड़ के बी डी एफ एच, बी डी एफ ते एच, ते देन वी हैव डी कॉम्प्लीमेंट एफ जी एच ए,
AFGH, तो BCDE, BCDE, ए आ जाएगा अपने कोल डी कॉम्प्लीमेंट, सो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड ते आ हो गया अपने कोल फोर्थ, सो इहदे नाल सेकंड क्वेश्चन हुंदा है कंप्लीट। अगे आने आपां थर्ड क्वेश्चन ते, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आपां नूं नेचुरल नंबर्स दा सेट कह दित्ता है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इहनां दे कॉम्प्लीमेंट्स हैं जिहड़े उह आपां फाइंड आउट करने ने। फर्स्ट सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन ईवन नेचुरल नंबर, ईवन नेचुरल नंबरस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸ ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਫਸਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। हाँ जी, इनू बी कंसीडर करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नैचुरल नंबर, हाँ जी ऑड का कॉम्प्लीमेंट लवेंगे तो आपको ईवन मिल जाएगा, सो पहले वाला सैट मिल जाएगा, तो यदा कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ईवन नैचुरल नंबर। हाँ जी, अगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री, हाँ जी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री, जदों इन्हां नूं आपां छड्डांगे नैचुरल नंबर्स दे विच्चों तां आपां नूं ओह नंबर मिलणगे जिहड़े थ्री दे मल्टीपल नहीं होणगे, सो इहदा आपां किस तरह लिख सकदे हां, जे इहनूं सैट सी लै लईए तां सी कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंगस टू एन एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री, यानी कि जेकर थ्री के मल्टीपल आप छड दिए, सो यही काम किया अपने ये, सो यदा आंसर ये बन जाएगा। अगे फोर्थ पर आने एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, सो जड़े ने प्राइम उन्होंने आप छड़ दिए तो आपको मिल जाएंगे कंपोजिट तो वन, वन क्योंकि ना तो प्राइम होंगे ना कंपोजिट होंगे, सो उन्होंने कंपोजिट भी नहीं कंसिडर कर सकते, सो वन एंड कंपोजिट ये लिखांगे आप, सो यदा आंसर लिखांगे, इसनों डी ले लें आप, सो डी का कॉम्प्लीमेंट आ गया अपने कोल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और एक्स इज इक्वल्स टू वन, सो ये पॉजिटिव कंपोजिट नंबर अपने कोल कंसिडर हो गए या फिर वन, क्योंकि वन प्राइम नहीं हुंदा ते ना ही वह कंपोजिट दे विच आंदा है। हाँ जी, अगे आने फिफ्थ पार्ट ते, इनू लैने आप सैट ई एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर डिविजिबल बाय थ्री एंड फाइव, सो यदा कॉम्प्लीमेंट लिखांगे ओ नंबर जिहड़ा थ्री ते फाइव नाल डिविजिबल नहीं होएगा, सो ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगस टू एन, यदा मतलब नैचुरल नंबर हो गया, एंड एक्स इज नीदर डिविजिबल बाय थ्री नोर बाय फाइव, यानी कि जेड़ा थ्री अते फाइव ते डिविजिबल नहीं है। हाँ जी, अगे सिक्स्थ, इनू आपां एफ ले लैने आ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, सो इहदा कॉम्प्लीमेंट होएगा जेड़े परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं होणगे, सो एफ दा कॉम्प्लीमेंट आपां इत्थे लिख लैने आ। सिक्स दा आंसर एक्स सच दैट एक्स बिलोंगस टू एन एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। हाँ जी, अगे आने सैवंथ ते, इनू जी ले लें आप एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब, यदा तो ईजी हुई है नॉट अ परफेक्ट क्यूब जिमें पिछले का लिखे आप, सो जी कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंगस टू एन एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हाँ जी, हुण आने आपां एट्थ ते, एच मान लें इनू आपां, सो एच पहलां तां इनू आपां उहदे विच लिखदे हां टैबुलर फॉर्म दे विच की आ जाएगा
एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एट, और फाइव जाके सब्ट्रैक्ट होएगा तो आपको मिल जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, इन सोल्व करके आ जाएगा थ्री। तो आप यदा कॉम्प्लीमेंट लिखांगे तो आपको थ्री नहीं चाहिए, सो यदा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, बस यही अपना आंसर बन जाएगा। अगे नाइनथ पार्ट पर आने जिद आप आई सैट समझ लें। हाँ जी, ये भी पहले इन टैबुलर फॉर्म च लिखांगे आई इक्वल टू एक्स सच दैट, हाँ जी चो आह जो फाइव है जाके सबट्रैक्ट होएगा तो आपको मिल जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू फोर, कटिंग करके टू, सो एक्स इज इक्वल टू टू बन गया है। तो टू आपको नहीं चाहिए यदा कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो आई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अपने को एक्स सच दैट एक्स बिलोंगस टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू टू। हाँ जी, आने आप इस टेंथ पार्ट पर जो कि है अपने को जे सैट एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू सैवन, सैवन या उस तो वे नैचुरल नंबर की गल हो रही है तो कॉम्प्लीमेंट की होएगा फिर अपने को जे कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगस टू एन एंड एक्स लैस दैन सैवन। हाँ जी, जे सैवन या सैवन तो वे की गल हो रही है ये आ रहे हैं तो वह कॉम्प्लीमेंट यानी कि सैवन तो छोटे तो लैस दैन सैवन ले लिया आप इतने। हाँ जी, अगे आने आप इलेवंथ पार्ट पर ये इनू के सैट मान लें, पहले इनू सिंपलीफाई करते हैं ये टैबुलर फॉर्म देखते हैं उतो फिर वह कॉम्प्लीमेंट क्डा इनू सिंपलीफाई करन दे लई टू एक्स आ जोड़ा वन है उधर जाके सबट्रैक्ट होएगा ग्रेटर दैन टेन माइनस वन, टू एक्स ग्रेटर दैन नाइन, एक्स ग्रेटर दैन नाइन ओवर टू, हाँ जी 4.5 ग्रेटर दैन 4.5 तो अपने को स्टार्ट होएगा 5, 6, 7 इस तरह ये बनया अपने को सैट। सो के का जोड़ा कॉम्प्लीमेंट होएगा यह 5 या उस तो उपरले नैचुरल नंबरस ने तो इन्हों तो घट वाले नैचुरल नंबरस आएंगे अपने को एक्स सच दैट एक्स बिलोंगस टू एन एंड एक्स लैस दैन 5। हाँ जी, ये बन जाएगा अपने को फिर इसका आंसर। हाँ जी, हुण आने आप फोर्थ क्वेश्चन ते, यूनिवर्सल सैट गिवन है ए ते बी सैट गिवन ने, वेरीफाई करना है आ चीज़ ते आ चीज़ यानी कि डिमोरगनज लॉज ने जड़े हो आप वेरीफाई करने ने। सो करते हैं इन्हां दे लई पहला तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी ए इंटरसैक्शन बी ये सारे चाहिए ने आपां नूं ए कढ लैंदे आप। हाँ जी, ए कॉम्प्लीमेंट 2, 4, 6, 8 नूं छड्डांगे इहदे विच्चों पहले 9 नैचुरल नंबरस दे विच्चों तां आपणे कोल ओड आ जाणगे 1, 3, 5, 7, 9 यह आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए है बी कॉम्प्लीमेंट कढ लें, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अपने को 2, 3, 5, 7 इन्हों छड़ के 1, 4, 6, 8, 9 तो यह आ जाएगा अपने को बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, ए यूनियन बी चाहिए है ए ते बी दी यूनियन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह आ गई ए यूनियन बी अपने कोल। ते ए इंटरसैक्शन बी भी चाहिए है वह भी कढ लाँगे। हाँ जी, ए इंटरसैक्शन बी कढ़ण दे लई आपां इन्हां दे कॉमन एलीमेंट्स देखांगे जो कि ने 2, उस तो बाद 4, 6, 8 उस 3, 5, 7 सो 2 ही आएगा अपने को ए इंटरसैक्शन बी दे विच। तां हाँ जी, हुण आपां इहदा नूं चैक करदे हाँ। फस्ट ते आने लैफ्ट हैंड साइड लैंदे हाँ पहलां तां आपां ए यूनियन बी दा कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, ए यूनियन बी आह आ चुका है इहदा कॉम्प्लीमेंट है जिहड़ा वह देखते हैं यूनिवर्सल सैट के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नूं छड्डांगे 1 ते 9 आ जाएगा। हुण दूसरी साइड ते ए डैश इंटरसैक्शन बी डैश चाहिए अपन, ए डैश ते बी डैश की इंटरसैक्शन चाहिए है ये कढ़ते हैं राइट हैंड साइड ए डैश इंटरसैक्शन बी डैश। हाँ जी, ए अपने को दोनों दे विच इको जिहा 1 है ते 9 है, सो ए डैश इंटरसैक्शन बी डैश आ गई 1 ते 9, सो लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड हो गई इक्वल।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया। हुण दूजे पार्ट ते आने आ, दूजे पार्ट दे लई वी नीड ए इंटरसैक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसैक्शन बी आ सी उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए अपन। हाँ जी, 1 2 9 दे विचो 2 नू छड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो दूसरी साइड ते ए डैश यूनियन बी डैश करते हैं हुण आपां, ए डैश यूनियन बी डैश। हाँ जी, ए डैश यूनियन बी डैश 1 3 4 5 6 7 8 9। सो 2 नू छड़ के सारे आ रहे हैं इस भी, 1 3 4 5 6 7 8 9। सो अपने को दोनों भी इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड ये भी राइट हैंड साइड दे इक्वल हो गई, सो ये भी वेरीफाई हो गया। हाँ जी, अगे आने फिफ्थ क्वेश्चन ते, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वैन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपां इन्हां दे लई वैन डायग्राम्स बनाने ने, फस्ट दे लई बनाने आ पहला तो। हाँ जी, फस्ट दे विच ए यूनियन बी पहला तो शो करना है आपां, सो रैक्टेंगल यूनिवर्सल सैट हो गया ये अपना, उहदे विच आह रहा ए ते आ रहा बी, तो इन्हां दी जिहड़ी यूनियन है ओह आह हो जाएगी, जिन्हों मैं इसी पिंक जे कलर दे नाल शेड करता पे हाँ। हुण ए तां हो गया अपने कोल ए यूनियन बी, सो मैं इहदे उत्ते लिख दिंदा ए यूनियन बी। हुण ए यूनियन बी दा चाहिए आपां नूं कॉम्प्लीमेंट, सो आ जिहड़ा बाहर वाला पोर्शन होएगा वह होएगा अपने कोल ए यूनियन बी दा कॉम्प्लीमेंट। सो इहनूं आपां किसी होर कलर नाल शेड करते हाँ, सो आ मैं ब्लैक कलर यूज़ कर लैंदा इहदे लई। हाँ जी, आ जिहड़ा पोर्शन है अपने कोल ए है अपने कोल ए यूनियन बी दा कॉम्प्लीमेंट। ओके, हुण दूजा है अपने कोल ए डैश इंटरसैक्शन बी डैश। हाँ जी, इनू देखना होए आपां तां वैन डायग्राम दे विच देखदे आं, दूजे लई आ हो गया अपने कोल यू। हाँ जी, जे अपने कोल इत्थे है ए ਤਾਂ ए ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ हो जाएगा मेरे को ला सारा बाहर वाला पोर्शन, तो इत्थे है मेरे को बी, दिस इज़ ए दिस इज़ बी, ए ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ए ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ सारा आ गया, बी ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ सारा आ गया। सो इट मीनस ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ए ਅਤੇ बी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ सारा आ जाएगा ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। कहण तो भाव आही चीज़ अपने को मिल जाएगी। वैसे भी आप पिछे देख ही लिया कि डिमोरगन लॉ के अकॉर्डिंग ए डैश इंटरसैक्शन बी डैश ए यूनियन बी दे कॉम्प्लीमेंट दे बराबर ही हुंदा है। सो इसी तरह की डायग्राम अपने को बन जाएगी। आ जिहड़ा बाहर वाला पोर्शन होएगा यही अपने को ए डैश इंटरसैक्शन बी डैश होएगा। सो इहदे लई आपां कलर इहदे विच पिंक भर दिंदे आ। हाँ जी, आ है अपने को ए डैश इंटरसैक्शन बी डैश। अगे आने आप थर्ड ते ए इंटरसैक्शन बी दा कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, हुण इहदी डायग्राम बनाने आ। हाँ जी, यू हो गया ए बी। हाँ जी, इहनां दी आह वाली जिहड़ा वाइट पोर्शन है सेंटर दे विच इह होएगी इहनां दी इंटरसैक्शन, तो इस इंटरसैक्शन को छड़ के जिहड़ा बाकी का सारा पोर्शन होएगा वो अपने कोल ए इंटरसैक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो इहदे विच कलर कर दिंदे आ आपां, बस आह जिहड़ा सेंटर दे विच इंटरसैक्शन वाला पोर्शन आ इहनूं आपां कवर नहीं करांगे शेडिड पोर्शन दे विच। सो दिस इज आर ए इंटरसैक्शन बी दा कॉम्प्लीमेंट। अगे फोर्थ ते आ जाने आ, फोर्थ दे विच आ हो गया अपने कोल यू यूनिवर्सल सैट, दिस इज़ ए दिस इज़ बी, ए ते बी हो गए। हाँ जी, हुण ए डैश यूनियन बी डैश यानी कि ए नू छड़ के बाकी पोर्शन,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆ ਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਡੀਮੋਰਗਨ ਲਾਅ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏ ਡੈਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕ ਸ਼ੇਡਿਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਡੈਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਯੂ ਬੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂ। ਇਫ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਵਿਦ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਐਂਗਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ 60 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਉਹਦਾ 60 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 60 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ 60 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੋਨ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੋਨ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਟੂ ਮੇਕ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ। ਟਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਏ ਡੈਸ਼। ਏ ਅਤੇ ਏ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਫਾਈ ਡੈਸ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈ ਡੈਸ਼, ਫਾਈ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸੈੱਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਏ ਇਜ਼ ਸਬਸੈੱਟ ਆਫ ਯੂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਬਸੈੱਟ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਬਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਏ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਏ ਅਤੇ ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਖਾਲੀ ਐਮਟੀ। ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਫਾਈ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।